ये क्वेश्चन और एक और कर लेते हैं ताकि और बेटर समझ में आ जाए। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि ये जो है ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो चलो एक काम तुम्हारा कम हो गया कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से दे रखा है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन जब स्टार्ट करते हैं तो हमें चाहिए होता है एक्स, वाई और वन। अब आपने देखना है कि इसमें बी क्या है, पहले बी वन बी टू। तो ये लिखोगे आप माइनस का थ्री माइनस का थ्री, उसके बाद आपका सी वन सी टू, माइनस का सेवन माइनस का 15, उसके बाद ए वन ए टू लिखने होते हैं वन थ्री, उसके बाद फिर बी वन बी टू लिखने होते हैं माइनस थ्री माइनस थ्री। अब आपने एक्स के अपोन में लिखना है इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई आपकी क्या आती है 15 * 3 = 45, तो 45 आएगा। माइनस माइनस प्लस और सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो भी इनकी मल्टीप्लाई आएगी 7 * 21 प्लस का 21 आएगा इक्वल्स टू। उसके बाद वाई के अपोन में क्या लिखना होता है 7 * 21, तो माइनस का 21 आएगा। माइनस आपने 15 * 1 = 15 तो माइनस के 15 आएगा, ठीक है। और वन के अपोन में ये इनकी मल्टीप्लाई हो गई, ऐसे सिंबल भी लगा देते हैं। अच्छा यहाँ पर क्या है कि वन की मल्टीप्लाई करोगे आप माइनस थ्री से तो आएगा माइनस का थ्री, फिर करोगे सब्ट्रैक्ट करना है ध्यान रहे, माइनस के 9 आएगा। ये वाला माइनस मिस ना हो जाए भाई, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो एक्स अपॉन यहाँ पर क्या बचेगा आपका, वन कम हुआ तो 4 और 2 कम हुआ तो 20 = 24 = 2। ये माइनस माइनस प्लस हो गया भाई, तो अगर ये प्लस हो गया तो ये माइनस का 6 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो गया ना तो 21 - 15 है ना, तो 6 ही तो आएगा, ठीक है। और अच्छा वो माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का बड़ा, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है। अब देखिए आपको ऐसे दो पिक करने हैं जिनसे एक्स की वैल्यू निकले, और फिर ऐसे दो पिक करने हैं जिनसे वाई की वैल्यू निकले। तो ये दोनों पिक करोगे ना आप, पहले पहले आप ये दोनों पिक कर लो, इन दोनों से आपको एक्स की वैल्यू पता लग जाएगी। तो एक्स अपॉन 24 = 1/6, दिस इंप्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स की वैल्यू 4 आ गई। तो पहला आंसर तो हो गया, एक और चाहिए हमें। अब आपको क्या पिक करना है, ऐसा कुछ पिक करना है जिससे कि हमें वाई की पता लगे। तो ये पिक कर लो, एक ये पिक कर लो। तो वाई अपॉन -6 = 1/6, दिस इंप्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये -6 इधर आएगा, -6 से 6 कटेगा तो -1 आएगा। इतना आप डायरेक्ट कर सकते हो, तो ये y की वैल्यू -1 आ गई, ठीक है।